ऐसे कुछ है हमारी होटल होटल माउंट कैलाश सांगला में, और ये इनका पूरा डे टाइम में आपको दिखा रहा हूँ सारा एकदम व्यू है, लोकेशन पे है, इनका पूरा गार्डन है जहाँ पे बॉनफायर भी करते हैं, और बढ़िया सा एकदम बड़ा पार्किंग लॉट भी है, तो आपकी गाड़ी वगैरह सब सेफ है। सो ये कुछ ओवरऑल है, बालकनी से आपको सारा ये व्यू पूरा देखने के लिए मिलेगा। तो नाको के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करने के पहले हम लोग ने लिया ब्रेकफास्ट, गरम गरम आलू पराठे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 5 एंड आज की हमारी जर्नी होने वाली है सांगला टू नाको, और किलोमीटर्स है 125 किलोमीटर्स हम लोग रनिंग करने वाले हैं, एंड अप्रॉक्सीमेट टाइमलाइन है 3 आवर्स। बट 3 आवर्स तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बीच में रुकेंगे, फ़ोटो निकालेंगे, वीडियो निकालेंगे, लिए आपके लिए ड्रोन शॉट्स की कोशिश करेंगे, तो वो टाइम लग जाता है पहुँचते पहुँचते। बट कोई नहीं, हमें 2-3 साइट सींग बीच में है, तो वो सारी कवर अप करके फिर हम आगे निकलेंगे। तो आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। तो पहले क्या बोलेंगे, गणपति बाप्पा मौर्या, बोलो जय द्वारकाधीश की जय, एंड जय राम जी की फ्रॉम हिमाचल। चलो मिलते हैं भैया जी, फुल टैंक कर दीजिए, टॉप अप एकदम, ऑटो कट ऑफ चालू कर दीजिए। तो हम लोग पहले होटल से नीचे उतरे, एंड फर्स्ट पेट्रोल पंप है सांगला पे, तो यहाँ से टॉप अप कर लिया। आगे पता नहीं है, बहुत बार ऐसे होता है कि पू में खुला है बट फ्यूल नहीं होता है, तो अगर आप जा रहे हो तो यहीं से पूरा टॉप अप करवा के ही निकलिए। तो हमने पूरा टॉप अप किया 3700 का, फिर अब सीधा देखते हैं काजा में टॉप अप करा लेंगे वापस। A few inches later, हम लोग से होटल से नीचे उतर के ऑलमोस्ट अभी हो गया है 1 घंटा, एंड हमने 15 किलोमीटर्स नीचे उतर गए सांगला पे। तो अभी ये ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे कल्पा की तरफ। अब यहाँ से लेना है हमें राइट, खर्चम डैम का वो क्रॉस कर दिया, यहाँ से राइट ले लिया, एंड अभी आगे जाके हम लोग को वापस एक राइट टर्न आएगा ब्रिज क्रॉस करके, जो हमें लेके जाएगा कल्पा एंड आगे नाको की तरफ। सांगला से नीचे उतरने वाला रोड तो इतना कुछ खास नहीं था, मतलब टूटा फूटा ही था, तो आपको स्लो चलाना चाहिए, फास्ट नहीं चलाना चाहिए। बाकी आगे सुना है कि आगे के रोड्स तो अच्छे हैं, सुना नाको के रोड्स मतलब कंपैरेटिवली थोड़े अच्छे हैं, यहाँ के जैसे नहरों नहीं है बड़े। आगे देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। सो ये आप देख रहे हो, हम लोग ने वापस एक राइट टर्न ले लिया है, मस्त बढ़िया सा सुंदर सा ब्रिज है, और यहाँ पर डैम है। तो वापस ब्रिज क्रॉस करके हमें लेना है राइट टर्न, और यहाँ पे आ जाएगा खर्चम बैंक 2। अब ये रोड ऐसे तो स्टार्टिंग से ही अच्छा लग रहा है। सांगला का स्पेशलिटी था ग्रीनरी था, आगे आई थिंक शायद ड्राई डेजर्ट टाइप है, तो देखते हैं आगे कैसा निकलता है। अब यहाँ पे आ गए हम लोग मेन रोड पे, एंड हमारा पहला ब्रिज आया है शोंग टोंग ब्रिज, अभी भी ये किन्नौर ही है। मस्त वाइब्स आ रहा है ये ब्रिज से क्रॉस करने में। आई थिंक ये शायद नया ब्रिज बना था रिसेंटली, 1-2 साल पहले बना है शायद, एंड थोड़ा सा लैंडस्केप चेंज हो गया है। माउंटेन्स का कलर अगर आप देखोगे तो ब्राउनिश कलर हो गया है, आई थिंक नाको के बाद थोड़ा फिर और वापस चेंज होगा।
एकदम ड्राई टाइप हो जाएगा, ड्राई डेजर्ट एरिया है क्योंकि वहाँ पे। हम लोग अभी पहुँच चुके हैं पाउरी एंड हम लोग ने ऑलमोस्ट अभी 23-24 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है और अभी आके पहुँचे जंक्शन पे मेन एक, जहाँ पे एक रास्ता जाता है रिकोंग पियो और कल्पा आप जो सामने देख रहे हो बोर्ड, और दूसरा रास्ता जाता है नाको की तरफ। सो पहले पू आएगा, पहले पू पे भी एक हॉल्ट करेंगे जो है 56 किलोमीटर्स का एंड फिर नाको है अपना 86 एंड यही रोड हम लोग को आगे काजा लेके जाएगा। तो अभी एक चीज़ डिफरेंट यहाँ पर ये रोड्स की है क्योंकि ये रोड सारे BRO के थ्रू मेंटेन होते हैं, तो रोड्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो आई थिंक भले आप इवन थोड़ा सा गाड़ी स्लो भी चलाते हो तो भी वो इतना मैटर नहीं करेगा, मतलब सेफ है, प्रॉपर है। तो थोड़ा आगे निकलने के बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक और एक नई ब्रिज बनी है जो इनॉग्रेट हुई थी 28 जून 2021 में। 5 minutes later अभी ये रोड देखो कैसे है, एकदम मजेदार रोड है, ऊपर पहाड़ों की छत, मस्त पूरे आधा एक साइड का रोड आधा कवर्ड है पहाड़ों से, मतलब एक नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे चलाने का मजा मतलब अलग ही आ रहा है, प्लस रोड्स की कंडीशन जो है ना वो भी ऑसम है। सामने आप देख रहे हो मिलिट्री की गाड़ी आ रही है। तो यहाँ पानी गिर रहा था इसके लिए मैंने हॉल्ट कर लिया, पर जगह नहीं थी फिर इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि बस नहीं निकल पा रही थी। अब ये देखो कैसे मस्त एकदम, देखो ऑलमोस्ट पूरा रोड कवर्ड है, पूरा रोड कवर्ड है, देख रहे हो पूरा रोड कवर्ड है, दोनों लाइन ऑलमोस्ट कवर्ड है सारा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साइड पे रिवर भी दिख रहा है, आई थिंक ये सुतलेज रिवर होगा। अभी कुछ अच्छा सा फ्लो भी दिख रहा है पानी का मस्त एकदम। कुछ ही किलोमीटर्स और आगे आने के बाद ये हम लोग एक छोटा सा डेस्टिनेशन मिला जहाँ पर एक छोटा सा ढाबा था, तो हम लोग ने चाय पी ली एंड क्विकली हम लोग ने थोड़े फोटोग्राफ्स निकाले और आपको भी दिखाता हूँ अच्छे से। आप मतलब देख सकते हो साइड पे, एक साइड पे ग्रीनरी है और दूसरे साइड पे आप देखोगे तो थोड़े से आइस वाले पहाड़ भी दिखेंगे आपको। यहाँ से हम आ रहे थे, आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा ग्रीन है और यहाँ पे माउंटेन्स पे स्नो है थोड़ी सी ऊपर टॉप पे एंड थोड़ा और आगे जाएंगे ये रोड हम लोग को आगे नाको की तरफ और वहाँ आगे पहाड़ में भी काजा का ही रहेगा वो, और इस साइड पे पूरा ग्रीन है, एकदम मस्त खतरनाक व्यू है, अमेजिंग व्यू है। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, एकदम बढ़िया सा व्यू है मस्त। और आपको यहाँ पे वॉशरूम भी मिल जाएगा छोटी सी ब्रेक लेने के लिए। तो चलो बढ़ते आगे, लेट्स गो। यहाँ पे है रोपा विलेज, जो आप पीछे बोर्ड देख रहे हो रोपा वैली, रोपा विलेज आता है जो जाता है लेफ्ट की तरफ और हमें लेना है यहाँ से राइट नाको और काजा की तरफ। अच्छा सा वैली व्यू है, नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, एकदम बढ़िया सा एक साइड पे ऐसे व्यू दिखा रहा है। सुतलेज नदी होगी डेफिनेटली, वो यहाँ से फ्लो हो रही है और ये रहा एकदम बढ़िया सा व्यू वापस यहाँ पर। एंड आप देखोगे तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा लैंडस्केप चेंज हो रहा है, ग्रेइश एंड डार्क कलर के माउंटेन्स हो रहे हैं, थोड़ा लैंडस्केप चेंज हो गया है। चलो निकलते हैं आगे, अब तक मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी एक छोटा सा चेक पोस्ट आया था मिलिट्री का, हमें तो कुछ रोका नहीं इतना, बट जस्ट खाली पूछा कहाँ जा रहे हो एंड बस जाके कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं लिया, तो चलो अच्छा। और बाकी आप लैंडस्केप इंजॉय करो, रोड्स अब तक तो सारे अच्छे हैं और हमको अब तक कवर करना है 40 किलोमीटर्स और बाकी है, 2 बजे का कुछ ETA दिखा रहा है। तो हम लोग रुके हैं यहाँ पे डबलिंग ब्रिज पे, डबलिंग विलेज एक छोटा सा विलेज है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी फोटोग्राफी की वीडियोज़ वगैरह निकाले एंड उसके बाद आता है चेक पोस्ट। तो चेक पोस्ट पे उन्होंने हमें रोका और डिटेल्स मांगी हमसे सारी, लाइक आपका मोबाइल नंबर क्या है, कितने पैसेंजर्स हैं और कौन सी सिटी से आए हो और आगे कहाँ जाने वाले हो, तो आपका लास्ट स्टॉप क्या होने वाला है,
तो ये सारी डिटेल्स ली, व्हीकल नंबर लिया हमसे एंड नोट डाउन कर लिया सारा चीज़। बस फिर बाकी कुछ इतना बस ओके था, लाइक यही उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, गाड़ी का पेपर्स वगैरह कुछ भी नहीं मांगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड बोला कि आप निकलिए आगे, पहाड़ बहुत अच्छे हैं, आपको आगे और भी मज़ा आएगा। तो अभी निकलते हैं हम लोग आगे, और नेक्स्ट स्टॉप अपना होने वाला है खाब, जहाँ पे सुतलेज एंड स्पीति रिवर मिक्स होता है। तो अब वहाँ रुकते हैं, लेट्स गो। डबलिंग विच से थोड़ा आगे निकले तो हम लोग देख रहे हैं आगे हमें जाना है काजा, 137 किलोमीटर है, नाको अपना 30 किलोमीटर है, और राइट साइड पे जो आप देख रहे हो रोड जा रहा है वो है शिप किला, ये जाता है चाइना की बॉर्डर की तरफ, और हम अभी हैं NH05 पे। अब हमने नेक्स्ट स्टॉप ले लिया खाप में, और खाप के यहाँ पे रुके, और यहाँ पे आप देखोगे तो दो रिवर मिलते हैं, और ये है एक सामने जो स्पीति वैली से आ रहा है, और पानी एकदम साफ है, आई होप आपको दिख रहा है सारा क्लियरली, और एक पानी ब्राउन है जो आ रहा है टिबेट से यहाँ पे, फ्रॉम मंसोवर लेक, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम मंसोवर लेक। अभी स्टॉप किया है लंच के लिए नाको से, जस्ट 5 मिनट्स पहले है कांगड़ी ढाबा, एंड इनका फेमस आलू की भाजी, राजमा चावल, दही कड़ी, तो ये खाना ट्राई करते खाते, और फिर आगे निकलते हैं नाको के डेस्टिनेशन पे, होटल पे। बढ़िया सा यहाँ पे व्यू है, और ये हम लोग मेन चौक पे खड़े हैं, दो ढाबे, कांगड़ी ढाबा है और एक सोमांग ढाबा है, कहाँ पे भी आप रुक सकते हो एंड ट्राई कर सकते हो। एक और है डांग खान रेस्टोरेंट, छोटा सा, और कुछ इस तरीके से है व्यू, बस मज़ा है। हवा काफ़ी चल रही है, ठंडा काफ़ी, मौसम काफ़ी ठंडा है अभी, मौसम काफ़ी ठंडा है, बट मज़ा आ रहा है। तो चलो अभी निकलते हैं, गाड़ी में बैठते अपने डेस्टिनेशन होटल की तरफ जाते। सो नाको विलेज पहुंच गए, एंट्री कर ली यहाँ पे नाको विलेज, अभी आगे चलते हैं होटल की तरफ। अब यहाँ पे छोटा सा एकदम नैरो रोड है, तो हम पहुँच गए अपने होटल, होटल जम्बाला नाको, एंड पीछे मेरे आप देख रहे हो होटल के बाजू में एक मॉनेस्ट्री है जो बहुत पुरानी है, एंड ये पीछे आप देख रहे हो सारा नाको विलेज है विद प्रॉपर व्यू। अभी तो आगे का देखा नहीं है तो चौक जाओगे। चलो पहले रूम का ओवरव्यू आपको देता हूँ, एंड ये रूम है हमारा सारा, डबल बेडरूम है, एकदम स्पेशियस रूम्स हैं, काफ़ी बड़ा रूम है आप देख रहे हो, मस्त डेकोरेशंस भी रूम की काफ़ी अच्छी है, एंड दो चेयर्स है, चार चेयर्स है सॉरी, टेबल अच्छा दिया हुआ है उन्होंने यहाँ पे, एंड बेड भी काफ़ी बड़ा है, नीचे कारपेट है फ्लोर पे, तो कैसे आपको ठंडी लगेगी नहीं, आप सॉक्स पहनो और रूम में बैठे रहोगे तो कोई इशू नहीं है। एंड ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मैट्रेसेस हमने बोला है क्योंकि हम लोग चार लोग हैं, और रूम काफ़ी स्पेशियस है, तो आई थिंक चार लोग इजीली एक रूम में अकोमोडेट हो जाते हैं, दो रूम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बाथरूम दिखाते हैं, ये है बाथरूम इनका, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन, देख रहे हो एकदम फर्स्ट क्लास। सो ये है रूम, और अभी तो बेस्ट नज़ारा दिखाता हूँ, एक एंट्रेंस वहाँ से था रूम का, दूसरा यहाँ पे बालकनी भी है, बालकनी नहीं सॉरी वरांडे जैसा है, छोटी सी खिड़कियाँ दी है, और ये दरवाज़ा, और दरवाजे से आप निकल के सीधा आपको मिल जाएगा नाको लेक, ये डायरेक्टली आपको नाको लेक, और यहाँ पे आप सीधा सा राउंड मार सकते हो, ये पूरा नाको लेक है, और यहाँ पूरा व्यू देख रहे हो, एक ऊपर देख रहे हो, ये भी एक है ट्रैकिंग जैसा जहाँ जा सकते हैं एक घंटे के लिए, तो हम ट्राई करेंगे जाने के लिए क्योंकि पूरा कच्चा रास्ता है, उसके थ्रू ही जाना है। एंड यहाँ पे स्नो कैप माउंटेंस, बढ़िया सा व्यू, रूम से निकलो और एकदम अमेजिंग व्यू, और क्या चाहिए। और ये विलेज है नाको विलेज, नाको लेक, तो अभी घूमते हैं, नीचे उतरते हैं, फ्रेशअप होते हैं पहले, और फिर नाको मोनेस्ट्री और नाको लेक जाते हैं, और आगे बात करते हैं। होटल पहुँचने के बाद हम लोग थोड़ा फ्रेशअप हो गए, चाय वगैरह पी ली,
एंड अपनी गाड़ी लेके वापस निकल पड़े नाको मोनेस्ट्री देखने के लिए और बुद्धिस्ट टेम्पल देखने के लिए। सो हार्डली 2 मिनट्स है होटल जम्बाला से नाको मोनेस्ट्री। तो यहाँ पार्किंग भी अवेलेबल है और यहाँ का व्यू ये है नाको मोनेस्ट्री जो रेड कलर में आप देख रहे हो। अभी टेम्परेचर हुआ है -5 degrees, सनसेट हो चुका है और नेक्स्ट हाफ एन आवर में शायद और माइनस में चला जाएगा, -10 पे चला जाएगा। सो कुछ इस तरीके से है। कमेंट करके बताना कैसे लगा आपको। दोस्तों एक चीज़ की मशक्क़त है, यहाँ पे टेम्परेचर अभी हुआ है -4 degrees और रात को जाएगा लगभग -10 तक, तो डेफिनेटली चला जाएगा लेट नाइट तक। तो अभी सब प्रॉब्लम क्या हुआ है, हम लोग का सांगला में इशू हुआ, जो वाटर टैंक है वाइपर का वो पानी पूरा फ्रीज हो चुका था अंदर, तो हम लोग को उसमें गर्म पानी डालना पड़ा। एंड गर्म पानी डालने के बाद थोड़ा रास्ते चले हम लोग, उसके बाद जाके वो पूरा मेल्ट डाउन हुआ है। तो हम लोग को आज रिस्क नहीं लेना है, आज और भी टेम्परेचर डिप होगा, -10 -12 तक कितना जाएगा पता नहीं है। इसके लिए हम लोग ने प्लान किया है कि हम लोग वाइपर का जो पानी है वो पूरा निकाल देंगे आज, कल फिर वापस भर देंगे। तो ये पानी पूरा हम लोग निकालने वाले हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि अगर आप यहाँ से नाको से काजा जाओगे या स्पीति में आपको कोई भी सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग ने ये प्लान किया, निकालते हैं पूरा पानी एंड कल फिर मॉर्निंग में भर देंगे। एंड उसमें भी जास्ती भरने की ज़रूरत नहीं है भाई लोग, काजा जा रहे हो हर दिन, वहाँ पे भी वही सेम टेम्परेचर है, जितना गाड़ी चलाने वाले हो उसके हिसाब से थोड़ा डालो फिर वापस खाली कर दो, नीचे उतर जाओगे सांगला के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कल का वीडियो मैं आज एंड कर रहा हूँ। रात को तो काफ़ी लेट हो गया था, हम लोग नाको लेक गए, नाको मोनेस्ट्री गए। सो दो चीज़ें आप मेन यहाँ कवर कर सकते हो, और ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, -7 तक पहुँच गया था ऑलमोस्ट, तो था नहीं हमने इसके लिए वीडियो मैं अभी एंड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।